और पहला क्वेश्चन हमारा है कि बाड़मेर क्या प्रसिद्ध मलीर प्रिंट जो है वो कौन से रंगों का प्रयोग होता है उसमें। मलीर पहला क्वेश्चन था आपका ये कि मलीर प्रिंट जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, बाड़मेर का, और इसमें कौन से कलर है यूज किया जाता है, कत्थई और काला कलर जो यूज किया जाता है इसमें। राइट आंसर आपका एक नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दो, दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि राजस्थान में अपनी मृदा शिल्प के लिए विख्यात कौन सा स्थल है। मृदा शिल्प के लिए कौन सा स्थल है विख्यात है, क्वेश्चन नंबर दो का राइट आंसर जी मोलेला गांव जो है ये मृदा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, मिट्टी के खिलौनों के लिए। दो नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर तीन, तीन हमारा कि मारवाड़ में दामणी क्या है, यानी दामणी किसको कहा जाता है मारवाड़ क्षेत्र में। तीन का राइट आंसर कोमल मनीषा जी नरपति जी सर, मारवाड़ में दामनी किसको कहा जाता है। तीन का राइट आंसर ओढ़नी का एक प्रकार है दामनी, राइट आंसर आपका एक नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा। और चलिए क्वेश्चन नंबर चार, चार नंबर हमारा है कि मीनाकारी की कला राजस्थान में सबसे पहले किसके द्वारा लाई गई थी। मीनाकारी की कला सबसे पहले किसके शासन काल में आई थी, जो कि जयपुर की प्रसिद्ध है, जयपुर में ही लाई गई थी, और ये थी मानसिंह के शासन काल में जी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चार कि राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है। ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र, पांच का राइट आंसर। ये ब्लू पोट्री जो आई थी ये भी मानसी के शासन काल में ही आई थी जी, जयपुर हो जाएगा राइट आंसर। और जो ब्लैक पोट्री जो है ये कोटा की प्रसिद्ध है, ब्लू पोटरी जयपुर की और ब्लैक पोटरी कोटा की प्रसिद्ध है। सी आपका राइट आंसर हो जाए। करपाल सिंह शेखावत जो थे ये ब्लैक पोटरी से ब्लू पोटरी से रिलेटेड थे। चलिए क्वेश्चन नंबर छह है कि निम्न में से गलत कथन बताना कि कौन सा कथन है वो असत्य है। ऑप्शंस बड़े हैं, एक बार आराम से पढ़ लीजिए कौन सा कथन है गलत है। पहला कि डूंगरपुर जिले की देवल की खान से पेरवा पत्थर निकाला जाता है, ये भी आपका सही है। दूसरा कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए बांसवाड़ा का तलवाड़ा गांव जब प्रसिद्ध है, मूर्तियों के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। तो दो नंबर आपका गलत हो गया, और फिर एक ही गलत पूछा है, बाकी के दोनों ही सही है। बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सात, सात है कि राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान ने भौगोलिक पद में शिल्प कला में जिनकी सूचीकरण किया है वो कौन कौन से हैं। राष्ट्रीय डिजाइन संस्था के द्वारा, सात का राइट आंसर जी। एक तो ब्लू पोटरी शामिल है जो कि जयपुर जिले की प्रसिद्ध है, दूसरी चिकनी मिट्टी उद्योग प्रसिद्ध है जो कि उदयपुर जिले के हैं, यही दोनों में इसी में राइट आंसर आपका एक नंबर। चले क्वेश्चन नंबर आठ कि हैंडलूम मारक प्रमाणिकता बतलाता है, हैंडलूम मारक वो किसकी प्रमाणिकता बताता है। आठ का राइट आंसर जी सर, हैंडलूम कपड़ों की प्रमाणिकता बताई जाती है, राइट आंसर आपका एक नंबर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर नौ है कि कौन सा जोड़ा जो है सुमेलित है। बादला जयपुर की प्रसिद्ध है, नमदा जोधपुर के, मसूरिया साड़ी कोटा की, और संगम पर नकाशी ये टोंक की प्रसिद्ध है। तो कौन सा जोड़ा जो है सुमेलित है, नौ का राइट आंसर जी। मसूरिया साड़ी कोटा की प्रसिद्ध है, राइट आंसर सी हो जाएगा, सही आंसर। क्वेश्चन नंबर दस कि राजस्थान में लेटा मांगरोल और सालावास ये किस लिए प्रसिद्ध है। लेटा मांगरोल और सालावास ये दोनों क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, दस का राइट आंसर जी सर। दस का कौन देगा राइट आंसर, महेंद्र जी, पूनम जी सर, ये कपड़ों की मंदों की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है दोनों ही क्षेत्र, राइट आंसर आपका एक नंबर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर ग्यारह, ग्यारह आपका कि दंगा मोरखा और गोरबंद और पिलान ये किससे रिलेटेड है। दंगा मोरखा गोरबंद और पिलान ये किससे संबंधित है, ग्यारह का राइट आंसर। जितेंद्र आप कुछ ज्यादा ही पहुंच गए सर जी, ऊंट की सजावट की वस्तुओं के नाम है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए कौन सा जिला जो है छातों के लिए प्रसिद्ध है, छातों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, पाली जयपुर भरतपुर या फालना। छातों के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, महेंद्र जी जी सर, फालना जो है ये प्रसिद्ध है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, दिलखुश जी जी सर।
क्वेश्चन नंबर 13 कि जीरोही, बाकला, गंधहा ये किस उद्योग के नाम है? जीरोही, बाकला और गंधहा, 13 का राइट आंसर। रवि कुमार जी, जी सर, जलपट्टी उद्योग से राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14, 14 है कि भरत, सूप, उरमजी और आरी ये किससे रिलेटेड हैं? भरत, सूप, उरमजी और आरी ये शब्दावली जो है किससे रिलेटेड है? 14 का राइट आंसर। मुकेश कुमार जी, जी सर बिल्कुल, क्यों नहीं सर। रवि कुमार जी, जी सर, 14 का राइट आंसर कौन देगा सबसे पहले सर? ये कढ़ाई और पेच वर्क जो है उससे रिलेटेड है। नरेश जांगिड़ जी, मनीषा जी, आपका फिर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कि समुद्र लहर नाम का लहरिया जो है वो कहाँ रखा जाता है? समुद्र लहर नाम का लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? 15 का राइट आंसर। संदीप जी, जी सर, ये जयपुर का प्रसिद्ध है। राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कि भीलों का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? इनमें से कौन सा नृत्य है जो भील जनजाति से रिलेटेड है? 16 का राइट आंसर जी, गौरी नृत्य। राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कि गोपाल जी भट्ट जो थे ये राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार थे? गोपाल जी भट्ट ये राजस्थान की किस लोक कला नृत्य शैली के प्रसिद्ध रहे हैं कलाकार के तौर पर? 17 का राइट आंसर। सुनील जी, जी मनीषा, ओके संदीप जी, तमाशा से है रिलेटेड। राइट आंसर का 1 नंबर हो जाएगा। और चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कि चोर भेद, चार भेद जो कि राजस्थान की प्रचलित एक लोक गायन शैली का नाम है, और ये चार भेद जो लोक गायन शैली है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? चार भेद जो कि एक लोक गायन शैली है और कहाँ की प्रसिद्ध है? 18 का राइट आंसर जी सर, टोंक की प्रसिद्ध है ये। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और चलिए क्वेश्चन नंबर 19, 19 हमारा है कि कामा मीणा, कालकीर और कान गुजर, मियाबंद और नहार ये किससे रिलेटेड है? कामा मीणा, कालकीर, कान गुर्जर, मियाबंद और नहार, 19 का राइट आंसर कौन देगा? महेंद्र जी, ये गौरी उत्सव जो होता है उसकी छोटी नाटिकाओं के नाम है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कि गोमा, मीणा और कालुवीर और मियां मेड ये किससे रिलेटेड हैं? जी ये भी सेम ही है, गौरी मंच उत्सव के नाम है, जो छोटी नाटिकाओं के नाम है। ये भी 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की विशेषता है कि झमड़िया पात्र है वो लोक भाषा में कविता बोलता है, और खटखड़ा जो है वो उसको दोहराता है, और बीच बीच में जोकर का काम करता है, और ये किस ख्याल की अनर्थ की विशेषता है? 21 का राइट आंसर। झमटिया और खटकेड़ा ये किस नृत्य में या किस ख्याल से रिलेटेड हैं? 21 का राइट आंसर। जिसे गौरी नृत्य में होता है। राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 की मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य कौन सा है? मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य, 22 का राइट आंसर। जी सर, बी हो जाएगा राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 23 कि नौटंकी सर्वाधिक है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? राजस्थान में नौटंकी सबसे ज्यादा कहाँ की प्रसिद्ध है? जी भरतपुर जिले की प्रसिद्ध है। राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कि राजस्थान की भोरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले कौन थे? भोरूपिया कला जिसको विश्व में प्रसिद्धि दिलाई थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो कौन थे? जी जानकी लाल। राइट आंसर का 1 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कि संस्कृत नाटकों में विदूषक प्रयोग शब्द जो है किस वर्ण से संबंधित है? विदूषक शब्द जो है,
और ये शूद्र के लिए यूज होता था। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 26 है कि रम्मत क्या है। जी सर, रम्मत जो है एक लोक नाट्य का नाम है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सही आंसर। और क्वेश्चन नंबर 27 की झालावाड़ में भवानी नाट्य कला का निर्माण है, भवानी सिंह के द्वारा करवाया गया था, ओपेरा शैली में कब करवाया गया था ये बताना है। एक तो कि भवानी नाट्यशाला है कहां पर, झालावाड़ में, निर्माण किसने करवाया था, भवानी सिंह ने करवाया था, किस शैली में करवाया था, ओपेरा शैली में, और किस वर्ष करवाया था ये बताना है। जी सर, 1921 में, संदीप जी। जी सर, 1921 में करवाया था। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है कि स्वर्गी जो है वो किसके द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है। स्वर्गी एक ग्रंथ का नाम है, और ये किस के द्वारा लिखा गया था, किस संत के द्वारा, दुल्हे के वेश में कौन रहे थे। 28 का राइट आंसर बता दीजिए, कोमल गुप्ता जी। रजब जी के द्वारा लिखा गया था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा जी। मेहाजी मांगलिया जो है उनके घोड़े का नाम क्या था। मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम, पूनम, विनीता, राकेश, मुकेश जी, संदीप सर, महेंद्र जी। मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम जी, किब्बड़ काबड़। राइट आंसर आपका एक नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की, बालकनाथ जी के रूप में किसे हिमाचल प्रदेश में पूजा जाता है। बालकनाथ जी के रूप में हिमाचल प्रदेश में किसकी पूजा की जाती है। 30 का राइट आंसर सोबाराम जी। जी सर, रूपनाथ जी की। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, इसका सही आंसर। चलिए निम्बार्क संप्रदाय जो है उसके प्रवर्तक का नाम बताना है। निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, सॉरी, निम्बार्क संप्रदाय ने क्या प्रारंभ किया था, कौन सा द्वेत। 31 का राइट आंसर द्वेत, अद्वैत। राइट आंसर आपका एक नंबर हो जाएगा, निम्बाकाचार्य जी। क्वेश्चन नंबर 32 की, शेख सलीम चिश्ती किसके शिष्य थे। शेख सलीम चिश्ती किसके शिष्य थे। 32 का राइट आंसर। नरहर के पीर। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की, मेवाड़ का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है। मेवाड़ का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है। अंबिका माता के मंदिर को। राइट आंसर आपका एक नंबर हो जाएगा। चलिए आपको मिलान करना है पार्ट ए से पार्ट टू को, अगर नहीं दिख रहे तो आराम से देख लीजिए। एक साइड में आपको शहरों के नाम दे रखे हैं, दूसरी साइड में संतों के नाम है, और उनका जन्म कहाँ पे हुआ था ये बताना है। सबसे पहले अहमदाबाद में जन्म किनका हुआ था। दादू दयाल जी का अहमदाबाद में हुआ था। गरावगरों में किसका हुआ था, संत पीपा जी का हुआ था। दो मिला जी, दे और सह पहले किसमें, दो में, ये तो कट हो ही जाएंगे आपके। चलिए कौन देगा राइट, आप तो इजीली बता सकते हो। जी सर, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तलवंडी में गुरु नानक दास जी का, और पीपा सर में जाम्बू जी का, यानी सी आपका राइट आंसर है। चलिए एक और ऐसा क्वेश्चन कि राम सनेही संप्रदाय जो है चार पीठ हैं वो कौन कौन सी ये बताना है। राम सनेही संप्रदाय की चार पीठें कहाँ कहाँ पर स्थित है। 35 का राइट आंसर। जी सर, इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 की, अदर देवी है वो कहां पे है। अदर देवी का मंदिर कहां पर स्थित है। 36 का राइट आंसर। माउंट आबू सिरोही में। राइट आंसर आपका एक नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की, खंडेल वालों की कुलदेवी कौन सी लोक देवी है।
खंडेल वालों की कुलदेवी, 37 का राइट आंसर। सिकराई माता राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 38 कि रात्रि जागरण में महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? रात्रि जागरण में महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? 38 का राइट आंसर। जी सर बिल्कुल, तिरजा डी आपका राइट आंसर। चलिए इसमें से गलत युग्म कौन सा है, कौन सा जोड़ा जाए गलत है? तेजा जी खड़नाल, रामदेव जी उड़ू कश्मीर, कल्ला जी कोल्लू और गोगा जी ददरेवा। 39 कौन सा जोड़ा गलत है? जी सी गलत है, बाकी तो सारे सही हैं। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की एक और बताना है आपको कि गलत जोड़े का बताना कि कौन सा युग्म है गलत है। गोठा द्रवत है, ये देवनारायण जी से संबंधित है, तेजा जी सुरसरा से रिलेटेड, हड़बू जी बेंगटी और देव बाबा जी रनेला से। कौन सा गलत है? 40 का राइट आंसर। जी सर डी आपका गलत हो जाएगा। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कि सेना के जवानों की देवी जो है वो कौन सी है? सेना के जवानों की देवी कौन सी है? तनोटिया माता। और क्वेश्चन नंबर 42 हमारा लास्ट क्वेश्चन कि वे लोक देवता जो धनी लोगों को लूट कर गरीबों में धन बांट देते थे, जो शेखावाटी से रिलेटेड थे,